हिंदुस्तान की अंजू और पाकिस्तान की फातिमा न्यूज 18 इंडिया के साथ मौजूद हैं। अंजू, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक का सफर, किस मंशा से पाकिस्तान गई थी और एक परिवार था आपका, आखिर क्या हुआ कि पाकिस्तान जाने का ख्याल हुआ? देखो, परिवार था मेरा, मुझे भी पता है, और मेरे मेन मेरे बच्चे थे, और मेरे बच्चे को मैं अपना सेटल करके गई थी, और मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैंने लीगली कार्रवाई की थी और इस तरीके से गई मैं, और जिसके संपर्क में थी मेरी 3-4 साल से उनसे बात हो रही थी, सारी चीज़ें प्रोसेस थी, लीगली थी और लीगली गई और लीगली मैं वापस भी आई हूँ। और जो टाइम लगा वहाँ पे, मैंने जो एक्सटेंशन वगैरह कराया वो इसीलिए कराया था, वो ऐसा माहौल बन गया था यहाँ पे, ऐसा क्रिएट हो गया था, उस वजह से मुझे रुकना पड़ा ज़्यादा टाइम, और मुझे बहुत मुश्किल लगा वो बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं वापस भी आई लीगली तरीके से। अंजू, आपकी हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। और आप क्या जॉब कर रही थी यहाँ पर? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी। हमने सुना कि आपने बताया थे कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद निभा रही थी, बच्चों को आप ही पाल पोस रही थी, नौकरी भी करी थी, क्या कोई अनबन थी पति से इसलिए आपने पाकिस्तान जाने के लिए एक दोस्त आपको मिला कि इसके साथ एक नई जर्नी शुरू करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पर्सनल उससे डिस्टर्ब थी इसलिए पाकिस्तान चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हस्बैंड के साथ शुरू से ही नहीं बनती है, जब से शादी हुई तब से ही प्रॉब्लम है, और उसके बाद भी हमने काफ़ी कोशिश भी करी थी उनके साथ एडजस्ट होने की, नहीं हो पाया, और वो उनको भी पता है, और मैं अपने बच्चों को खुद अकेले लेके भी रही हूँ, और उनको अकेले परवरिश किया है, मैंने काम करती थी और ज़्यादा टाइम देती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके वजह से मैं पाकिस्तान चली गई। अगर पाकिस्तान जैसा बंदा अगर मुझे यहाँ मिलता तो मैं उसके साथ होती, या अदर कंट्री होता तो भी मैं उसके साथ होती, तो मुझे वहाँ वो पसंद आया इसलिए मैं पाकिस्तान गई। कैसे, हालांकि अंजू पहले भी जान चुके हैं लेकिन न्यूज 18 इंडिया के दर्शक एक बार फिर से जाना चाहेंगे, अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के मुल्क के उस शख्स से कैसे हुई और फिर कैसे आप लोगों ने प्लान करा कि आपको पाकिस्तान जाना है, आपने कैसे वीजा अप्लाई करा? देखो, सबसे पहले तो बता दूं, सोशल मीडिया से ही हुआ था, और सोशल मीडिया पे मैं यही कहूंगी हर कोई ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया क्योंकि मैं जानती थी मैं सच्ची हूँ, मुझे इसलिए सच्चा इंसान मिला और अच्छे थे वो, और काफ़ी टाइम मेरी बातचीत हुई है, और कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे शेयर करी और बताई, इसलिए मुझे बिलीव हुआ उन पे और फेथ हुआ कि हाँ, वो एक भरोसेमंद इंसान। पठान परिवार था वो? पठान, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव यही थी कि जो पठान लोग होते हैं वो अपनी जुबान के वास्तव में पक्के होते हैं, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और निभाते भी हैं, और मैंने करीब से भी जाके देखा है उनकी, औरतें वहाँ के लोगों से भी मिली थी, तो पता चला कि हाँ, वो बहुत अपने कामों में बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, और मैं वैसे भी मतलब उनको पसंद करने लगी थी, और फिर हमने डिसीजन किया, उन्होंने भी प्लान बनाया कि पहले हम मिलते हैं फिर उसके बाद शादी का या जो भी है वो डिसीजन करेंगे। अंजू, अभी हम अपने सवाल करेंगे, उसके बाद आपकी सच्चाई भी जानेंगे जो आप दुनिया को बताना चाहती हैं कि अंजू एक हिंदू लड़की वो पाकिस्तान जाती है, वहाँ पर इस्लाम कबूल करती है, हमने वो दस्तावेज भी देखे, आप वहाँ पे निकाह करती हैं, आपका प्री वेडिंग शूट जो है वो सामने आता है पाकिस्तान में कई जगहों पर, ये सब कुछ अचानक हुआ या वहाँ पे जाके आपको दबाव बनाया गया इस्लाम कबूल करने के लिए, क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर किसी भी बात का, शुरू से लेके जब तक मैं वहाँ रही, मुझे ना पहनने ओढ़ने में या किसी चीज में कोई जोर दबाव नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था, सब हमारी अपनी प्लानिंग थी और उस हिसाब से हमने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि टाइम हमें चाहिए था, पर बात ये जब ऐसा माहौल बन गया तो हमें जो करना था वो हमने किया वहाँ पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो जग जाहिर हैं कि कितने ज्यादा तल्ख हैं, कितनी ज्यादा टेंशन चलती है दोनों देशों के बीच में, उस दौरान एक हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान अगर जा रही है तो आपको खतरा नहीं था कि पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की जा रही है वो पाकिस्तान में जाके इस्लाम कबूल करेगी, उससे जान का खतरा हो सकता है और वापस हिंदुस्तान आएगी तो और ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे सारी चीजें मुझे खुद में क्लियर थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी खतरा नहीं है मेरे लिए, ना मुझे कोई डर रहा है ना कुछ, और मैं सब कुछ, पहली बात तो मैं लीगली थी, और दूसरी बात ये थी कि मैं वहाँ गई, मुझे ऐसा कुछ भी लगा नहीं कि मुसलमान हिंदू और ये वो इस तरीके से कोई मेरे लिए खतरे वाली बात बनेगी या मैं यहाँ आऊँगी तो खतरे वाली बात बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी अगर बॉर्डर और राजनीति के एक साइड कर दो, लोगों को मिला दो भारत के, उनको तो पहचान नहीं पाओगे कौन भारत का कौन पाकिस्तान का, कोई फर्क नहीं है। प्यार आने दिया उन लोगों ने, जैसे आपको उन्होंने बहुत प्यार दिया, आपने बोला अच्छे से रखा सम्मान के साथ, जो आपकी बयान है, वापस आने के समय
क्या था वो माहौल जब आपने बोला कि मैं हिंदुस्तान वापस जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए? तो सब यही कह रहे थे आप जा रहे हो, बहुत दुखी हो रहे थे उन लोगों को, जिन लोगों को पता चल रहा था कि आप लोग जा रहे हो। हाँ, फिर सबको यही था कि हाँ, मैंने बोला था शुरू से भी, मैं बोल रही थी कि मुझे जाना तो है ही, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, वो तो जाना ही है मुझे, शुरू से ही वो था कि मुझे जाना है। तो सबको पता था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं इतना ज़्यादा वो किया, क्योंकि हाँ, जाना ज़रूरी है, बच्चे हैं इसके, तो जाना भी चाहिए। अब अंजू अंजू है या फातिमा है? फातिमा, अभी तो फातिमा ही हूँ, और यहाँ के हिसाब से तो अंजू हूँ। तो आगे किस पहचान के साथ आप रहना चाहेंगे और किस मुल्क में रहना चाहेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो आपके ऊपर तय है। देखो, पहचान तो मेरी पाकिस्तान में अंजू के नाम से भी है और फातिमा के नाम से भी है, तो नाम जिसको जो ठीक लगे वो हो सकता है, और आगे फ्यूचर में मेरा नाम, मतलब जो मेरी पहचान है वो जो भी होगी और जिसके साथ रहूंगी उसी के साथ ही होगी, और आगे फ्यूचर यही है कि सबसे पहले तो मैं अभी होके आई हूँ, उनको यहाँ बुलाऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या करना है, कहाँ रहना है, यहाँ रहना है उनको या फिर कहीं अदर कंट्री। अच्छा, जो आपके शोहर हैं उनको आप हिंदुस्तान बुलाना चाह रही हैं? जी जी, और यहाँ रहेंगे उनके साथ? हाँ हाँ, पहले एक बार वो यहाँ पे आए, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे का फ्यूचर। तो वो राजी है हिंदुस्तान आने के लिए? हाँ, अपना क्यों नहीं, नहीं ऐसे अभी तो आएंगे ना एक बार, एक आपको भी पता है हर जगह अपना प्रोसेस होता है, इतना आसान तो है नहीं सारी चीजें, तो पहले तो हम उन्हें बुलाएंगे। आप पे। जब हिंदुस्तान आई अमृतसर में, आपसे आईबी ने पूछताछ भी की, इंटेलिजेंस ने, यहाँ पर आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला और किन किन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया यहाँ पर? सुना आपको, आप घर से भी बेदखल हो गई हैं? हाँ, जब मैं बॉर्डर पे आई थी और बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेरी पूछताछ की और बहुत उन्होंने चिंताजनक इस तरीके से मुझे, उन्होंने मतलब एक फैमिली की तरह उन्होंने मुझे बिठाया, बातचीत करी, सारी चीज़ें पूछी मेरी वहाँ पे कि वहाँ का क्या प्रोसेस था, क्या रूटीन था आपका, कहाँ कहाँ घूमे हो, कहाँ किस किस से मिले हो, ये सब पूछा था मुझसे। और उन्होंने यही बोला अभी कहाँ जाओगी, कहाँ रुकोगी, सारी चीज़ें पूछी थी, एक जैसे फैमिली पूछते हैं। तो मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के देश के लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और पूछा भी। तो मैंने उनको बताया है कि मैं अभी जाऊँगी और मेरे अपने जो फ्रेंड सर्कल है या जो मेरी जानकार है उनके यहाँ जाऊँगी, कॉल करूँगी, पहले यहाँ से निकलूँ तो मैं कॉल करूँगी, मुझे जो बुलाएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी जो मुझे सपोर्ट। तो आपके पति अब आपको आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं या आप उनके साथ नहीं रहना चाहिए? बच्चे आपके हैं? जी जी, तो अभी बच्चे मेरे साथ हैं और मैं अभी उनसे अलग रह रही हूँ और आगे भी अलग ऐसे ही रहना है, और उसके बाद देखेंगे और एक बार बातचीत करेंगे और जो भी लीगली प्रोसेस होगा वो करेंगे। ग्वालियर में आपका परिवार रहता है, मम्मी पापा? सुना वहाँ भी लोगों ने विरोध कर दिया कि अंजू को यहाँ नहीं आने देंगे? हाँ बिल्कुल, वो जिस तरीके माहौल बना था तो उस तरीके से तो उस टाइम बोला ही था, पर अब मेरे आने के बाद मेरे घर वाले और मतलब जो यहाँ पे जो हस्बैंड है काफी पॉजिटिव हो गए हैं मेरे आने के बाद, तो क्योंकि कल तक तो यही लग रहा था कि मैं आऊंगी नहीं इसलिए, पर ऐसा अभी कुछ ऐसा है नहीं, और माहौल बनाता तो कंप्लेन भी कर दी थी। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है और ठीक है, अगर वो लोग मेरे से नहीं वहाँ बुलाना चाहते तो ऐसी कोई बात नहीं है। वापस पाकिस्तान जाना चाहेंगी? नहीं, अभी तो नहीं जा रही हूँ, आगे फ्यूचर में भी जा सकती हूँ। जो पाकिस्तान हुक्मरान है या जो वहाँ की ISI है, उन लोगों ने भी आपसे पूछताछ की थी इंटेलिजेंस ने, जैसे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस की थी? आप नहीं, जब नहीं, गई कि कोई एजेंट तो नहीं है, भारत की जासूस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा सबसे पहली बात तो लीगली डॉक्यूमेंट्स थे, लीगल प्रोसेस था, तो ऐसे मेरी कोई पूछताछ नहीं हुई वहाँ पे, ना किसी ने कुछ बोला कि ये है वो है जासूस है, कुछ भी नहीं बोला, कोई नहीं आया मुझसे इस तरीके से। आप बोलते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो गलत दिखाई जा रही हैं, आपकी सच्चाई को गलत तरीके से रखा जा रहा है, आप क्या सच बताना चाहती हैं? गलत सही तो यही है कि सबसे पहले जैसे मैं आई थी तो जिस तरीके से मुझे मतलब विलन जैसा बना दिया, बोल रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गई है अंजू, ये है जासूस है, 4 महीने ट्रेनिंग लेके आई है। मैं ये सब सारे लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि भाई मैं आपकी अपनी यहाँ की हूँ, मेरी यहाँ की नागरिकता है, मैं यहाँ की हूँ, सब कुछ है, तो मेरे को यहीं आना था, तो मैं ऐसे कैसे और मतलब इस तरीके से मुझे बोल सकते हैं? और फिर हमारी अपनी इंडिया की कानून है और जो बॉर्डर, वो अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बॉर्डर से यहाँ आने देते अंदर एंटर, सबसे पहली बात तो यहीं खत्म हो जाती है, मुझे वहीं नहीं बैठा लेते। तो वो सारी चीजें मतलब क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं आई आराम से, सेफ थी जहाँ भी थी, और मैं साइलेंट इसलिए थी कि मुझे सबसे पहले तड़प थी मुझे अपने बच्चों से मिलना, उसके बाद ही किसी से बात करूंगी, और मैंने कहा था कि सबको जवाब दूंगी मैं आके, सारी मीडिया को फेस करूंगी, इसलिए मैं शांत रही आते समय। तो अंजू क्या सीमा हैदर से इंस्पायर थी क्या, कि आपने देखा कि सीमा हैदर को इतनी पब्लिसिटी मिल रही हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से आ गई तो अंजू को पाकिस्तान जाना चाहिए, ये भी बोला जा रहा है? नहीं नहीं, ये भी सब अफवाहें हैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी पब्लिसिटी हो जाए, ऐसा होता तो फिर मैं लाइव होके नहीं जाती।
बस सीमा हैदर को लेके क्या कहेंगे, वो हिंदुस्तान आ गई, उन्होंने भी हिंदुस्तान को अपना लिया, यहाँ पे शादी कर ली सचिन मीणा से। देखो वो उसकी अपनी चॉइस है और अपनी पसंद है और अपनी उसकी पर्सनल लाइफ है, और वो जो आई है वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आई है पाकिस्तान, उसे कभी वापस नहीं जाना है, इसलिए वो अपने बच्चों को और सब तरीके से आई है। और अंजू के पास दोनों ऑप्शन है, हिंदुस्तान में भी रहना है और अपने शोहर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भी बुलाना है या पाकिस्तान भी जाना है। बिल्कुल, अब मेरे वहाँ पे मेरा प्यार है पाकिस्तान, और ये मेरी माँ जैसी है, मेरी ज़मीन है ये, तो मुझे बहुत अपने देश से बहुत प्यार है। और मेरी जो एक्साइटमेंट थी, जो मैं आई थी, मैं बहुत खुश थी, मेरे अपने बच्चे थे, उनसे मिलना, बहुत सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है। दोनों पहचान अंजू और फातिमा दोनों बरकरार रहेंगी अब अंजू की? हाँ, अभी बरकरार ही रहेगी, दोनों ही नाम से दोनों कंट्री में जानते हैं दोनों। और आगे करियर क्या रहेगा आपका, जॉब वगैरह यहाँ कैसे आप जीवन? हाँ बिल्कुल, अभी मैं जॉब करूंगी, अभी रहने का किया है और फिर अब जॉब भी करूंगी और बच्चों को अपनी परवरिश करूंगी जैसे पहले कर। शुक्रिया। तो ये थी अंजू और फातिमा, जो दोनों नाम ही इनके हैं। इन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान जाने का फिलहाल इनका कोई इरादा नहीं, लेकिन अपने शोहर का जरूर हिंदुस्तान बुलाना चाहेंगी, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ये हिंदुस्तान वापस आई हैं, और हिंदुस्तान भी इनकी जमीन है और अब पाकिस्तान भी इनका प्यार है, और ये दोनों मुल्क जो हैं उनके लिए लगातार जो अपनी भावनाएं हैं उन्होंने यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया के सामने रखी हैं।